ये देखो गाइस कितनी लंबी घास हो रखी है। ये देखो यार सुअर ने कर रखा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? हो आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है घर से, और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। आज हमारी डे कैंपिंग होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलो यहाँ पे हमारे ताई जी गोबर ले जा रहे हैं खेत में। सब बड़ी ताई है। हाँ आप बोलो। सब बड़ी ताई है। हाँ यहाँ देखो गोबर डाल रही है चानी चानी। आप उनको आटा घी खिला रही हूँ और यहाँ पे क्या करना, मेरी बहू ने बोला कि दो दो कनी पड़ा करूंगा मैं। चलो मैंने तो न मना कर दिया था नहीं डालूंगा। सुंगूर ने सब खा दिया और बंदर ने भी। मैं क्या करूं? यहाँ देखो ये देखो ये देखो। तो दोस्तों अभी ताई जी से बात हो चुकी है और निकलते हैं अभी घर से। और आज फिर से मेरे साथ है अरविंद। गांव की कुछ पुरानी गौशालाएं जो कि टूटी फूटी पड़ी है, लोगों के घर थे यहाँ पे पहले, और आज घास हो चुकी है यहाँ पे। चाय बना लावना। आयो मोरी सुंदर। आ चुका है हमारे आकाशदीप भाई का घर। उसके बाद चलो अभी बंटी के घर पे जाते हैं। बंटी क्या कर रहा होगा? लब बंटी विद्यार्थी यह है यहाँ पर बंटी। बंटी का घर है ये, और ये चाची जी है यहाँ पे। ये है आशू का घर। ये है हमारे ताई जी। ताऊ जी को निकालो ऊपर। ताऊ जी बैठ रखे यहाँ पे धूप सेक रहे हैं। दोस्तों अभी हम बंटी के घर पे गए थे तो बंटी बिजी था और बंटी नहीं आ पाया आज। ना नहीं बना अभी क्या? ना खाना बन गया हमारा। अगर बनना है तो ऐसे काम करना, मैं बुढ़ा नहीं हूँ, आप जवान हैं, आप आगे चलो और मैं पीछे खा रहा हूँ। मेरे पास चावल या गेहूँ है और ग्रेन भर के आ रहा हूँ। गुड ठीक है गुड। दोस्तों ये देखो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। हेलो गाइस। हाँ ये स्कूल स्कूल या बच्चा है, स्कूल जा रहा है अभी। दोस्तों निकलते हैं अभी तेरा काल से नीचे की ओर, देखते हैं आज वहाँ पे हमें लोकेशन बढ़िया मिलती है। बहुत दिनों बाद आज देखकर मिल रहे हैं और मजा आने वाला है आज डे कैंपिंग में। डे कैंपिंग में पूरा व्यू देखने को मिलता है, आसपास के नज़ारे। दोस्तों आजकल ठंड का टाइम भी होने वाला है। अभी ओस गिरी हुई है कल रात की, तो घास भी पूरी गीली हो रखी है। लकड़ी ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे, और आग जलाना भी।
ये देखो भाई कितनी बड़ी जाल बुन रखी है मकड़ी ने। और मकड़ी यार 3 सेकंड में जाल बुन देती है अपना पूरा, और पेड़ों से ऊपर तक। दोस्तों अभी हम लोकेशन ढूंढ रहे हैं, जैसी लोकेशन मिल जाएगी हमारी तो बढ़िया सा टेंट पिच करेंगे। आज डे कैंपिंग है हमारी, बहुत दिनों बाद यार, कितने दिनों बाद हो गई यार डे कैंपिंग। 1 महीने। हाँ 1 महीना करीब हो गया है। और डे कैंपिंग में पहली बार, मतलब बहुत दिनों बाद कह सकता हूँ। ये देखो गाइस कितनी लंबी घास हो रखी है, अभी तक घास साफ नहीं हुई है, और जब ठंड आ जाएगी तो ये घास थोड़ा सूखने लगेगी और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी ये घास। दोस्तों आज मौसम पूरा क्लियर है। देखो अभी हमें एक बढ़िया सी लोकेशन मिल चुकी है जहाँ पे हम अपना टेंट लगा सकते हैं। तो अभी हम लोकेशन पे पहुँच चुके हैं और थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर में टेंट लगा लेंगे। और आसपास पूरी लंबी लंबी घास है, इसलिए लोकेशन ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो गई थी हमें। देर बाद देखने थोड़ा व्यू नज़र आ जाता है, और नाइट कैंपिंग में थोड़ा ये आसपास की चीज़ें नहीं दिखती है ना। तो चलो दोस्तों लकड़ी अब थमाल तो लियो, जरा से ले आएंगे ना, जरा से जल्दी हो जाएगा कुछ मिलेगा। मिल गए यार, मिल लकड़ियाँ तो मिल जाएंगे यार। ये देखो सुअर ने कैसी घास कर रखी है यहाँ पे, रात को लग रहा है यहाँ पे सुअर आता होगा, घास पूरी बिछाई हुई है उसने। ये देखो हमारे साथ उस्ताद जी, कच्ची है क्या वो। दोस्तों लकड़ी भी थोड़ी बहुत इकट्ठी हो चुकी है और चिंती हमें मिल गई है, थोड़ा बहुत चिंती भी जल जाएगी तो आग बेहतर जलेगी हमारी। ये लकड़ी हमने कुछ इकट्ठी करी है और फिलहाल अभी पत्थर लेने जाएंगे, चूल्हा बना पाएंगे हम बढ़िया सा। ये देखो यार सुअर ने कर रखा है, गड्ढे कर रखे हैं सुअर ने। ये मटाऊ ससु बोल, ये मटावते बोल। अब आज वो वाला चूल्हा नहीं लाया यार, है ना, वो वाला ला दे। जीवन पकड़ में आती इतनी दिक्कत नहीं होती यार। दोस्तों अभी थोड़ा थक के आ रहे थे तो आराम कर लिया हमने, और अभी देखते हैं भाई
क्या बनता है आज कैंपिंग में, क्या बनाया जाए भाई आज? पनीर के पराठे। तो क्या करेगा भाई, उठ जा अब। क्या करेगा, आटा गूंदेगा या क्या कुछ और करेगा? ठीक है ये बचा के रखना पड़ता है, नहीं तो यार पिछली वाली कैंपिंग में ऐसा हो गया था कि आटा ही नहीं बचा यार रोटियां ऐसी बन गई थी कि भाई कैसे लच्छा परांठा अच्छा रुका ये कौन था नहीं है मैं था पिछाता हूँ नहीं मुझे तेरा क्या कर दिया यहाँ पर कौन छाती पास बड़ी कर दे आटा घर में गूंदता होगा ना तो बढ़िया गूंद लेगा है मैंने गोद भी जाती ये बंद करो जरा ये बंद नोट करो जा भाई मास थोड़ा और बड़ा ही करना उसको और खून क्या लूँ नहीं मास आग जलाता हूँ तब तक। आज तवा भी हमने घर से लाया है तो तवा तवे में ना तवे में सही बन जाता है हैं, परांठा पैन में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। आज सरदार जी के परांठे बनाएंगे कौन सरदार जी? ना कुल होना मोहनलाल चप्पल उठा साइड में रखो इसको, तमीज नहीं है तुझे? अज्जू का पीर सुनता आज नहीं बोलना जान क्या तुम अगर टेंट पर जरा भी लगी थे ना भेज चुका जान के कान बोलो तवा रख देते हैं गर्म होने के लिए, आग भी जल गई है। ये मैं तो पाती ना भैया जी, ये देखो अरविंद उस्ताद के पराठे, पनीर के पराठे लच्छे वाले। आग भी तो जलनी चाहिए ना, क्या है ली पराठा बड़ा बड़ा बड़ो नाना अम्मी ने यार यू आज कांत गया थी पाराच
उठते थोड़ा पसीना। दोस्तों रात में आजकल बहुत ठंड होने लगी है, नाइट कैंपिंग, इसीलिए हमने सोचा है कि एक दिन डे भी करेंगे और नाइट कैंपिंग लग कंटिन्यू 5-6 कैंपिंग हो गई है नाइट ज़्यादा है ना। एक दिन करेंगे यार नाइट कैंपिंग है, फिर दोबारा अंडरग्राउंड 4-5। अच्छा वो शेल्टर बनाया हुआ है, तो दोस्तों मैंने शेल्टर बनाया हुआ है, उसका काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि लकड़ियाँ मिलनी थोड़ा टफ है और जंगल काटना भी सही नहीं है ना, तो लकड़ियाँ उसमें दिक्कत हो रही है और बिना लकड़ियों के वो बनेगा नहीं बिल्कुल भी। लकड़ियों का काम बचा हुआ यार, उस पर लकड़ियाँ मिल जाती तो सही था। बन गिरे वन चुओ होटल खोल चुओ चाचा होटल खोल चुओ। अब अरविंद ने होटल खोलना है केदारनाथ में, तो उसकी तैयारी चल रही है, शायद इस वाले सीजन में अगले वाले सीजन में 2024 में खोल ले, क्या पता है ना। तो कहाँ पे खोलेगा, सीतापुर रामपुर केदारनाथ मंदिर आप बगल। अच्छा केदारनाथ के बगल में मंदिर के बगल में खोलने को कह रहा है, अब भंडारा खुलेगा वहाँ। कैंप की लोकेशन थोड़ा दूरी पे हमारा खाना बन रहा है। दोस्तों ये पराठे तैयार हो गए हैं और चाय बनाएंगे अभी। दूध हमने घर से ले आया था, उस्ताद हमारे सनबेन साइड चाय एकदम कड़क वाली। सबसे पहले चाय टेस्ट करते हैं अरविंद की, एकदम लाजवाब गजब। पराठे टेस्ट करते हैं, पराठे टेस्ट पंकज भाई की। सही है लेकिन नमक ज़्यादा हो रखा है इसमें, भयंकर लग रही ना। नाइट में भी वैसे मज़ा आता है, बहुत दिन बाद। हाँ बहुत दिनों बाद डे कर रहे हैं तो मज़ा ले रहे हैं डे कैंपिंग का। बस सोने जा रहा क्या? चलो आप सोने चलते हैं, आराम कर लेंगे। सही है यार नीचे से क्या मजे हो रही गजगुदू। हाँ
व्यायाम हुआ। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। क्या नीचे से मजा नहीं आएगा क्या? ऐसा लग रहा है कि गद्दा है ना।